जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। युग परिवर्तन में कल्कि अवतार का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि वो श्रीहरि के आखिरी अवतार हैं जिन्होंने युग परिवर्तन की जिम्मेदारी न सिर्फ अपने कंधों पर उठाई, बल्कि फिर से एक बार वैदिक कल्चर को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। आज इंसान धरती को नर्क बना चुका है, लेकिन धरती को नर्क बनाने में किसका है कितना रोल, अब खुलेगी उनकी पोल और हो जाएगी उनकी लुटिया गोल। अब आने वाले समय में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर भी लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। पैसों के बल पर पूरी दुनिया को जीतने का दावा आज हमारे ही समाज में एक अमीर वर्ग ऐसा होता चला जा रहा है जो लाख गुनाह करे लेकिन सोचता है उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है और अपने परिवार के कुकर्मों को छिपाया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि भगवान कल्कि का डिवाइन विज़न सीसीटीवी कैमरा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक ही समय में एक ही जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड पर नज़रें जमाए रह सकते हैं। न सिर्फ नज़रें जमाएं, बल्कि कोई भी बात उनके डिवाइन विज़न से छिपी न रह सकती है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन मेरे वीडियो में मैं जो बातें कहूँगी उसके अनुसार करे कोई और भरे कोई, ये मुहावरा ज़्यादा चरितार्थ साबित होता है। करे कोई और भरे कोई, ये भी एक बहुत कहावत प्रसिद्ध है, यानी कर्म किसी के लेकिन उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। और इसी प्रोवर्ब की सच्चाई को आज मेरा वीडियो साबित करता है। जब पुणे के हिट एंड रन केस में नाबालिग लड़का, क्योंकि 17 इयर्स का है, उसके पिता ने अपने पैसों के बलबूते पर अपने ड्राइवर को फ़ोन करके ये उसका ब्रेन वॉश करके कह दिया कि तुम ही उस समय गाड़ी चला रहे थे, तुम्हें ही जाकर ये कबूल करना है पुलिस वालों के सामने। वो लगातार यही कहता रहा, लेकिन ज़रा सी जब सख्ती दिखाई गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और कह दिया कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे मेरे मालिक ने सच्चाई बोलने से मना किया था। और यही बात हमेशा मैं कहती हूँ कि अब तो न्याय होकर रहेगा, पैसों के बल पर इंसानी अदालत में इंसानी न्याय को खरीदा जा सकता है, धूल झोंका जा सकता है, क्योंकि न्याय देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती है। और लगता है सभी को कि कानून अंधा होता है, बड़ी आसानी से धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, अगर ये कहावत आज के युग में सत्य है तो करे कोई भरे कोई ये बिल्कुल भी सत्य कल्कि अवतार नहीं होने देंगे, क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए उसी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, यही हमारा न्याय कहता है। तो जो अब तक नहीं होता आया, आने वाले समय में वही होगा। ड्राइवर ने कह दिया कि हाँ, मैंने झूठ कहा था, एक्चुअल में वही जो लड़का है, जो मालिक के बेटे हैं, वही चला रहे थे कार, लेकिन मुझे बहुत पैसों का लालच दिया गया, घर खरीदने का लालच दिया गया, पूरा जीवन मेरा बहुत आराम के साथ बीत जाएगा ये भी कहा गया, और इसलिए लालच में आकर और उनकी बातें मानकर मैंने झूठ बोलने पर मैं विवश हो गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई और साक्ष्य जो खुल खुल कर चीख चीख कर उन दो बच्चों के मौत की गवाही दे रहे हैं, और दो पुलिस वाले जिन्होंने की लिपापोती करने की कोशिश की उन्हें भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि प्रेशर इतना आ गया पुलिस वालों पर कि कहाँ बच कर जाएं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग गुनाह करके अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सुराग हाथ लग ही जाता है। और इसी के लिए भगवान कल्कि के युग परिवर्तन का मिशन है बेहद खास, क्योंकि उनमें अब आगे भी और देखते जाइए किन किन की पोल खुलने वाली है,
किस तरह से खुलती है, क्योंकि ऐसे लोगों ने जिन्होंने धरती को रहने लायक छोड़ा ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर और वेस्टर्न फूड को खाकर उन्होंने अपने जीवन को तो नरक बनाया, लेकिन अपने जीवन में सब कुछ पाने की चाहत के कारण प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, सारे पेड़ पौधों को काट डाला। इंसान आज खुली हवा में प्रॉपर ठीक तरह से जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, और इसलिए आज इंसान सांस सांस का भी हर पल सांसों का मोहताज बनता चला जा रहा है। तो जिन्होंने इस धरती को बनाया नर्क, अब उनका भी हाल होगा ऐसा बेहाल कि उन्हें भी मरते दम तक याद रहेगा कि उन्होंने भी कैसे कुकर्म किए। अब जैसा कर्म वैसी सजा, करे कोई भरे कोई नहीं चलेगा, जिसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। संस्कार कार की चाबी तो दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाई यदि, तो गलती किसकी, जिसने गलती की उसे ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पेंडिंग केस इतने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जज भी फैसला देते देते और सुनते सुनते मुकदमे को थक जा रहे हैं, लेकिन भगवान कल्कि जब देवी देवताओं के साथ इस धरा पर हैं मौजूद, चुटकियों में हल करते हैं वो हर समस्या को, और इसलिए अब कहीं पर लग रही है भयंकर आग। जितने भी पटाखे फैक्ट्री हैं उन सब में तो आग लग रही है, लेकिन कहीं पर बॉयलर में आग लग रही है तो कहीं पर किसी और जगह, यानी काम करने में यदि कोताही बरती तो वो कोताही बरतने का जो नतीजा है वो बहुत भयंकर रूप से लोगों के सामने आ रहा है, और ऐसा सबक उन्हें दे रहा है कि वो तौबा कर ले रहे हैं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।